नगर दंगे के 18 आरोपियों को योगी जी ने उनका मुकदमा वापस ले लिया है। देखिए आरोपी सपा सरकार ने की थी, मुझे मालूम है संगीत सोम है, सुरेश राणा है, ऐसे कई हैं जो मेरे, मैं जब विधायक थी फतेहपुर में ऐसे कई लोग बंद थे जो खेत में घास काट रहे थे जी जी। ऐसे लोगों को सपा सरकार ने आरोपी बनाया था, जिनको आरोपी बनाना चाहिए था उनको नहीं बनाया था। ये कोई गलत कदम नहीं है। यदि मैं गली में खड़ी हूँ, गली से पकड़ के बंद कर, मैं आरोपी हो गई क्या? तो गलत फंसाया गया था सपा, गलत सपा सरकार ने जानबूझ करके जिनको फंसाना चाहिए उनको छोड़ा था। और मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती हूँ, लेकिन चुन चुन करके ऐसे लोगों को फंसाया गया। राहुल गांधी ने एक बयान आया है कि हमारी सरकार बनने पर सभी लोगों के, जो भी गरीब लोगों के न्यूनतम आए उनको जोड़ा। मुझे लग रहा है कि 70 सालों में नहीं किया है, अब जुमलेबाजी बंद करें। माननीय मोदी जी पर जुमलेबाजी का आरोप लगाते हैं, खुद बंद करें, बहुत हो गया। 70 साल में देश को चलाना एक मायने रखता है, एक पूरा का पूरा एक दशक से ज्यादा बीत गया। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी मुझे लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं, अभी किसानों के कर्जे की बात की थी, पंजाब में माफ किया क्या, कर्नाटक में माफ किया क्या, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आधार कार्ड से किसानों को खाद दे रहे हैं, यही कर्जा माफ करेंगे? दीदी मायावती के जन्मदिन पे अखिलेश यादव ने साल पहनाया था मायावती जी को, जिसमें महेंद्रनाथ पांडे जी ने उसमें कटाक्ष किया था कि इसमें पिता ने उनका मायावती का साल उतारा और बेटे ने साल पहना, जबकि एक महिला के लिए। देखिए महिला के लिए हम टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन अखिलेश स्वयं अपने जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से सांसद भी रहे हैं, अतीक अहमद है, उन लोगों की तरफ देखे ना जिन लोगों ने चीरहरण किया था। हमारे प्रभुदेव द्विवेदी जी नहीं होते, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, तो मुझे लग रहा है मायावती बोलने के लिए भी नहीं बचती, जिस तरह से उनका चीरहरण करने का प्रयास किया गया था, ये तो उनका अंदरूनी विषय है। और ये मैं कह सकती हूँ कि ये बेमेल गठबंधन है, और आप जानते हैं बेमेल गठबंधन होता है और तलाक जल्दी होता है। तलाक जल्दी, धन्यवाद।